जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन तीन कामों को करने से घर में दरिद्रता आती है। और देखिए, होता क्या कि बहुत दिनों से हम परेशान रहते हैं, कई सारे प्रयास करते हैं, कई सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव सकारात्मक रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं पर मेहनत का फल नहीं मिलता है। इसके अलावा घर में परेशानी, मतलब अशांति का माहौल होता है, कोई अस्वस्थ रहता है। इसके अलावा इतनी सारी परेशानियाँ जिनके बारे में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये तीन कारणों से, मेन जो तीन कारण है, इसकी वजह से दरिद्रता हमारे घर में आती है। और दरिद्रता जो है वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी होने के साथ साथ हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, हम चाहे कितने भी पॉजिटिव अच्छे प्रयास करते रहें। तो कौन सी तीन बातें हैं, उन तीनों को हम कैसे सेटल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक है। तो बस एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिले। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े ताकि आपको हमेशा मोटिवेशनल अस्त्रों से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। हवाएं तेज़ चल रही हैं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि जो चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली और मुख्य बात है कि जब भी हमारे घर में जो अनावश्यक चीज़ें हैं, अब ऐसा आप सोचेंगे अनावश्यक चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करेंगे, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें, जो चीज़ें हमारे काम में नहीं आती हैं, जिन चीज़ों का कोई यूज़फुल है ही नहीं, उन चीज़ों को अपने घर से बाहर कर दे। क्योंकि हर एक वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो या जीव वस्तु हो, वो हमेशा सकारात्मक और नेगेटिव वेव्स देती है। अगर वो चलती रहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं चलती रहती है तो नकारात्मकता को वो प्रेषित करती है और नकारात्मकता बढ़ती है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे घर में हो गई तो पूरा जो माहौल है, पूरी जो वेव्स है, जो वातावरण है, वो नेगेटिव वे में चले जाता है। और उस नकारात्मकता की वजह से चाहे हम कितने भी पॉजिटिव प्रयास करें पर हमारे मन में कुछ चीज़ें आ ही जाती है, बात कुछ बन नहीं पाती है, हम करने कुछ और जाते, हो कुछ और जाता है। इसलिए अपने घर में जो भी अनुपयोगी चीज़ें हैं उन्हें प्लीज़ आप घर से बाहर कर दें और उनसे आप बाहर निकलें। दूसरा बात है कि उन लोगों के घर दरिद्रता रहती है जहाँ पर वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए जाने अनजाने में भी हम, क्या होता है कि घर में बहुत अच्छा माहौल होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर कभी हो जाता है कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। तो प्लीज़ चाहे कुछ भी हो, एक बाउंड्री रखें, महिलाओं का बहुत सम्मान करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपस में इतना ही ब्रीफ आपको करना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में भी हम किसी भी महिला को अपशब्द या अभद्र व्यवहार न करें। अपने घर की महिलाओं, कोई भी महिला हो, उनका सम्मान करें, क्योंकि उससे दरिद्रता आती है। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीसरी और मुख्य बात है, आप जितना ज़्यादा व्यसनों, नशे और इन नेगेटिव कामों से दूर रहेंगे उतनी चीज़ें हमारे साथ पॉजिटिव होगी। अब आप कहें कि हम नशा कर रहे हैं और चीज़ें पॉजिटिव हो तो ये संभव नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, ईश्वर का मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। जय श्री महाकाल।